नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चतुर्थांश कुंडली कैसे बनाई जाती है और कैसे देखी जाती है। तो आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब चौथे भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख कैसा मिलेगा और वो व्यक्ति कितना नसीबदार है, कितना भाग्यशाली है, तो ये सारी बातों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद और डीप स्टडी के लिए और सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हम लोगों को षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर चतुर्थांश कुंडली भी देखनी होती है और उसके माध्यम से हम काफी सूक्ष्म बातों को हम स्टडी कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चतुर्थांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। तो आइए बताता हूं, एक राशि के 30 अंश होते हैं। अगर 30 अंशों को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 7.5 अंश आते हैं। वही मैं बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह 0 डिग्री से लेके 7 डिग्री 30 कला का हो तो वो ग्रह चतुर्थांश कुंडली के अंदर वही राशि में बैठता है जो राशि के अंदर जन्म कुंडली में बैठा है। उसके बाद जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह 7 डिग्री 30 कला से लेके 15 डिग्री के दरमियान का हो तो वो ग्रह चतुर्थांश कुंडली के अंदर अपनी राशि से चौथी राशि में रखा जाता है। जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह 15 अंशों से लेके 22 अंश 30 कला के दरमियान हो वो ग्रह चतुर्थांश कुंडली के अंदर अपनी राशि से सातवीं राशि में रखा जाता है। जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह 22 अंश 30 कला से लेके 30 डिग्री के दरमियान का हो तो वो ग्रह चतुर्थांश कुंडली के अंदर अपनी राशि से दसवीं राशि में रखा जाता है। ये बहुत आसान तरीके से आप लोग अपनी चतुर्थांश कुंडली बना सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं चतुर्थांश कुंडली कैसे देखी जाती है, उसके नियम बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का जो भी स्वामी हो, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का जो भी स्वामी हो वो स्वामी ग्रह अगर चतुर्थांश कुंडली के अंदर केंद्र में या त्रिकोण के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर बलवान होकर बैठा हो तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और चौथे भाव का स्वामी, जन्म कुंडली का पहले और चौथे भाव का स्वामी अगर चतुर्थांश कुंडली के अंदर केंद्र में या त्रिकोण के अंदर या फिर दूसरे और 11वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर बैठे हो और आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि संबंध बनाते हो तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे लोग कम से कम 3 या 4 प्रॉपर्टी खरीदी कर पाते हैं और इन लोगों को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता है, माता का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद का नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे और 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत शुभ माना जाता है, राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे लोगों को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, वो जिस मकान में रहते हैं वो मकान के अंदर वास्तु दोष बिल्कुल नहीं होता और उनको जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत लाभ होता है। उसके बाद का पांचवा नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे स्थान का मालिक अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो अति शुभ माना जाता है। ऐसे लोग बहुत ही नसीबदार होते हैं, इनको माता का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है और ये लोग कम से कम 7 या 8 प्रॉपर्टी खरीदी कर पाते हैं। और अगर ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी अगर व्यापार के लिए इस्तेमाल करें तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होते देखा गया है। छठवां नियम,
चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर ही कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठा हो, कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा हो, तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और कम समय के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं और कम से कम 5 या 7 प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं और उन लोगों को अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी मिलने का भी संभावना बढ़ जाता है। चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी और नौवें भाव का स्वामी, फिर से बोलता हूं, चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का मालिक अगर केंद्र में या त्रिकोण के अंदर स्वगृही, मित्र, क्षेत्री, उच्च के होकर बैठे हो, युति, प्रतियुत या दृष्टि योग करते हो तो बहुत शुभ माना जाता है, राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे लोग जो भी जमीन खरीदते हैं वो जमीन कम समय के अंदर बहुत ज्यादा पैसा देती है या फिर वो जमीन खरीदने के बाद व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा काम करता है और व्यक्ति बहुत जबरदस्त धनवान बनता है और समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके बाद चतुर्थांश कुंडली के अंदर पहले भाव का और दसवें भाव का स्वामी, फिर से बोलता हूं, चतुर्थांश कुंडली के अंदर पहले और दसवें भाव का स्वामी अगर केंद्र में या त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में स्वगृही, मित्र, क्षेत्री, उच्च के होकर युति, प्रतियुति या फिर दृष्टि संबंध बनाते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों को जमीन खरीदने के बाद व्यापार में बहुत उन्नति, प्रगति, विकास होते देखा गया है और समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति भी प्राप्त होती है और वो लोग अच्छे कामों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करते हैं, समाज के शुभ काम के लिए भी अपनी जमीन थोड़ी मदद के लिए देते हैं। चतुर्थांश कुंडली के अंदर कारक ग्रह यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति अगर चौथे भाव के साथ युति प्रतियुति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो जबरदस्त राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे लोग जो भी जमीन खरीदते हैं वो जमीन बहुत ज्यादा उनको सुख देती है, समाज में मान सम्मान देती है और वो लोग कम समय के अंदर धनवान बनते हैं और ये भी देखा गया है कि उनके पास 8 या 10 प्रॉपर्टी उनके पास हो जाती है। उसके बाद लग्नाधिपति चौथे भाव का स्वामी और भाग्य का मालिक, पहले, चौथे और भाग्य का मालिक भी अगर केंद्र त्रिकोण में बलवान बनकर दृष्टि योग या फिर युति प्रतियुति करते हो तो बहुत शुभ माना गया है। ऐसे लोगों को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम मिलता है। उसके बाद पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे, नौवे और 11वें स्थान के मालिक अगर आपस में युति प्रतियुति करते हो या बलवान होके बैठे हो तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग कम से कम 8 या 10 प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। अभी हम लोग अशुभ जानेंगे कि अशुभ कैसे होता है। अगर कुंडली के अंदर, चतुर्थांश कुंडली के अंदर पहले और चौथे स्थान के मालिक अगर 6वें, 8वें, 12वें स्थान के अंदर पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख बिल्कुल अच्छा प्राप्त नहीं होता है या फिर मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सारी दिक्कतें आती है। जिनकी भी कुंडली के अंदर, चतुर्थांश कुंडली के अंदर पहले और चौथे स्थान के मालिक अगर मारक ग्रहों के साथ बैठे हो और पाप ग्रहों के साथ युति प्रतियुति करके 6वें, 8वें स्थान में बैठे हो और उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे लोगों की पूरी जिंदगी संघर्षों में निकल जाती है और वो अपने लिए एक अच्छा मकान या वाहन नहीं खरीद पाते। और एक नियम है कि पहले भाव और 12वें भाव के स्वामी अगर स्वगृही, मित्र, क्षेत्रीय, उच्च के होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाके, विदेश में जाके अपना मकान बनाते हैं और वाहन खरीदते हैं और वहां पे मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको काफी सारे नियम बताए हैं। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।